सबसे बड़ा राज्य तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। तो महाराष्ट्र में हमने आपको बताया कि इस बार का जो ओपिनियन पोल है कुछ ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो हमेशा से महाराष्ट्र में पार्टियां इस तरह की रही हैं कि बीजेपी शिवसेना एक साथ और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और एनसीपी। इस बार शिवसेना के दो भाग हुए हैं जो पिछले चुनाव में नहीं थे, एनसीपी के दो भाग हुए हैं जो पहले नहीं थे। तो ये एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में हम घुस रहे हैं और अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या हुआ है। और यही सवाल सबसे अहम होगा हर ओपिनियन पोल में कि एनसीपी शरद पवार फैक्टर, अजीत पवार फैक्टर क्या रोल प्ले करेंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट ये क्या रोल प्ले करेंगे। ये तमाम सवाल बहुत जरूरी हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के कामकाज को लेकर आपकी राय क्या है? बहुत अच्छा कामकाज 35%, बिल्कुल अच्छा नहीं 30%, औसत कामकाज 21%, मिला दीजिए अगर तो 56% जनता लगभग खुश है, अच्छा रेट माना जाएगा, कह नहीं सकते 14%। तो 56% एकनाथ शिंदे से लोग या तो बहुत खुश हैं या तकरीबन खुश हैं। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा और ये सवाल आपके स्क्रीन पे, महायुति पर एमवीए में जो घटक दलों के आगामी विधानसभा चुनाव का तालमेल को लेकर आपका क्या कहना है? महायुति में अच्छा तालमेल है या एमवीए में? तो लोग कह रहे हैं कि महायुति में यानी के बीजेपी एकनाथ शिंदे अजीत पवार का तालमेल बेहतर है 33% पर, और महाविकास आघाड़ी में जो है वो कम अच्छा है यानी के 26%। तो बीजेपी वाली अलायंस में एडवांटेज है, तालमेल बेटर है क्योंकि वो इकट्ठे काम कर चुके हैं, सरकार चला चुके हैं। दोनों के घटक दलों में अच्छा तालमेल है 14% लोग मानते हैं, दोनों में तालमेल नहीं है 12%, कह नहीं सकते 15%। तो ये तो तालमेल की बात थी। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल, आगामी विधानसभा चुनाव में अगर एनसीपी अजीत पवार की भूमिका को देखें आप क्या मानते हैं? एनसीपी निर्णायक भूमिका निभाएगा 34% लोग, एनसीपी की भूमिका औसत होगी 24% लोग, मिलाकर देखें तो यानी कि 58% लोग मानते हैं कि इसीलिए बीजेपी पीछा नहीं छुड़ा रही अजीत पवार से क्योंकि वॉशिंग मशीन का चार्ज तो लग चुका है लेकिन मजबूरी है, रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मामला आके अटकता है। और बाकी अगला सवाल अगर हम आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं, महायुति के लिए चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार की घोषणा को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर सीएम फेस अनाउंस कर दिया, नुकसान होगा 33% लोग मानते हैं, कोई खास असर नहीं पड़ेगा 16% लोग, कह नहीं सकते 10, तो अगर पहले अनाउंस कर दे तो 41% लोग मानते हैं कि फायदा मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल अगर हम देखें, महाविकास आघाड़ी के लिए चुनाव से पहले चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार को घोषणा को लेकर क्या, अगर आघाड़ी यानी के उद्धव ठाकरे को अनाउंस कर दे तो चुनाव में सकारात्मक 32% पड़ेगा लेकिन नुकसान ज्यादा है। चुनाव में लाडली बहना योजना किस हद तक प्रभावी होगी? क्या मध्य प्रदेश जैसा यहाँ भी जादू चलेगा? 55% लोग कहते हैं कि इसका असर अच्छा पड़ेगा, कुछ हद तक प्रभावी होगी 21%, मिला दीजिए 76% लोग कहते हैं कि ये गेम चेंजर हो सकता है और कोई लाभ नहीं होगा 10%, कह नहीं सकते 8%, और प्रचार का तरीका है 6% लोग मानते हैं, लेकिन 76% लोग मानते हैं कि सही असर पड़ेगा इसका। विधानसभा में आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा? चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट 32%, गठबंधन 29%, रोजगार 16%, आरक्षण 23%, ये है जो चीजें महत्व रखेंगी। अजीत पवार वापस चाचा शरद पवार के साथ आ सकते हैं क्या? हाँ कहते हैं 41% लोग, नहीं कहते हैं 36% लोग, और कह नहीं सकते
23% यानी 36% और 41%। चुनाव से पहले लाडला भाई योजना लॉन्च होने पर आपकी राय? गेम चेंजर 27%, कुछ असर 36%। अगेन लोगों को स्कीमें बहुत पसंद हैं, 63% लोग कह रहे हैं कि इसका अच्छा असर होगा, 24% कह रहे हैं कोई असर नहीं, कह नहीं सकते 13%। तो लाडली बहना और लाडला भाई अगर हो गया तो पूरी कायनात समा जाएगी उसमें। आनंद दुबे जी, आपसे पूछना चाहूंगी, चल क्या रहा है, चीफ मिनिस्टीरियल फेस बताएंगे या नहीं बताएंगे, फायदा या नुकसान? नविका जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि सबको पता है कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा वाद विवाद है ही नहीं, हमारे नेता आपस में समन्वय हैं। और दिल्ली जाकर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने सभी से मुलाकात की, राहुल गांधी जी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले, शरद पवार साहब थे, सब लोग थे, तो हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। और रही बात ये जो लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना, तो महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है। जिस प्रकार जनता का उपहास बनाया जा रहा है, अहंकार में नेता बयानबाजी दे रहे हैं, रवि राणा क्या कह रहे हैं, डॉक्टर महेश सिंधे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें मतदान आपने नहीं किया तो आपके खाते में दिए हुए 1500 रुपए हम वापस ले लेंगे। हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि दो वर्ष से चल रही सरकार जो कि एकदम जब चुनाव नजदीक आ गया तब कोई योजना ला रही है। यही योजना ये एक साल पहले ला सकते थे, 15 महीने पहले ला सकते थे, 2 साल पहले ला सकते थे, लेकिन जब पता चल चुका है कि अब हमारी विदाई तय है, क्योंकि जनता एक योजना ला रही नविका जी जिसका नाम है विदाई समारोह योजना, ये महायुति की विदाई करने वाली है, गाजे बाजे के साथ करने वाली है। इन सबको देखते हुए हमें तो नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी जी भी तो खटाखट योजना चुनाव से पहले ही लाए थे, आप ही की इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, मुखिया हैं, लेकिन आनंद दुबे जी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे तो तय हो चुके हैं चीफ मिनिस्टीरियल फेस, तो तहसील पूनावाला सीनियर पार्टनर होकर महाराष्ट्र में आप क्या पीछे वाली सीट पर बैठेंगे स्कूटर पे? नाविका जी देखिए दो चीज है, मैं और शरद पवार, सवाल ये भी है कि शरद पवार जी को ये फॉर्मूला मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है आनंद दुबे जी? शरद पवार जी ने तो ये पहले ही आपका फॉर्मूला आउट कर दिया है, तो कितनी दोस्ती यारी है वो तो सबको पता है, लेकिन तहसीन जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को जो वोट मिला और मनोज जी यहाँ पर है जो मिल गया वोट लोकसभा में, हर्षवर्धन जी आप भी मेरा साथ देना इसमें, आप देखिए अगर मैं देख रहा हूँ, वो कांग्रेस का एक मूल गठ वोट था, एक मूल वोट था कांग्रेस का जो शिवसेना को ट्रांसफर हुआ, जो शिवसेना को आज तक नहीं मिला। मैं किसी समुदाय या धर्म के बारे में नहीं कर रहा, एक कांग्रेस का वोट उनको मिला हुआ है। शिवसेना का वोट एकनाथ शिंदे जी के साथ स्प्लिट हुआ है, जो अजीत पवार और शरद पवार जी के बीच में नहीं हुआ। वो अजीत पवार जी एक लायबिलिटी है, एकनाथ शिंदे जी दे सम एक्सेप्टेबिलिटी। एक दूसरी बात, मैं मानता हूं कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो वो तय करे उनका लीडर कौन हो, और कांग्रेस महाराष्ट्र में बहुत मजबूत पार्टी है, विदर्भ में सबसे बड़ी पार्टी है। इनफैक्ट मेरा डिसअपॉइंटमेंट मनोज जी से ये है कि वो कांग्रेस को कम सीटें दे रहे, अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में नहीं आऊंगा तो मैं उसमें नेक्स्ट उसमें कहूंगा, लेकिन कांग्रेस वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ में नंबर वन पार्टी है, तो फिर वहां पर कोई और पार्टी कैसे आ जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं शिवसेना का उद्धव ठाकरे जी का महत्व नहीं, और ऑफ कोर्स बहुत टॉल लीडर है, लेकिन ये तय कर देना कि इतने टॉल भी नहीं है, ये तय कर देना जितने शरद पवार या कांग्रेस के लीडर हैं। हमारे पास दो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी, सुशील कुमार शिंदे जी, हमारे पास नाना पटोली जी है, और अन्य लीडर है, क्या उनका महत्व नहीं है? मैं उद्धव ठाकरे जी का बहुत थोड़ा सा बीजेपी ने कम कर दिया है अशोक चव्हाण को लेकर, अशोक जी वहां चले गए और वे भी बहुत बड़े लीडर भार होता, और वे भी बहुत बड़े लीडर है, और वो बीजेपी नहीं तो आपका यहाँ तहसीन एक बात जो कह रहे हैं और उसको साफ साफ कहना चाहिए, मुसलमान वोट दे देगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को, वो सिर्फ इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार उनके साथ। एकनाथ शिंदे ने बेहतर प्रदर्शन किया है, एकनाथ शिंदे के पास वो हिंदू वाला वोट है, वो शिवसेना वाला वोट है, इनके पास वोट घटा है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि नाना पटोले कह रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं कि भैया कलेक्टिव लीडरशिप पे जाएंगे, बाद में तय करेंगे। और जो महाविकास आघाड़ी है उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस किसी की रही है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी। और ये बात शायद शरद पवार जी समझते हैं, इसीलिए वो उद्धव ठाकरे को पहले से प्रोजेक्ट करने के पक्ष में नहीं है और हिचकिचा रहे हैं। ये सवाल